तो ये ठेकेदारी जो है शासक और प्रशासक वर्ग की लूट है ये। इसके बहाने के दूसरे रास्ते से ये लूटने का रास्ता है। गरीब आदमी जो मेहनत करता है उसे एक मीठी गोली देकर टुरका दिया जाता है और सारा पैसा लूट कर खा जाते हैं। भारत में एक शिक्षा का जैसे मुद्दा लें तो सरकारी स्कूलों में एक यूनियन बनाकर पढ़ाई ठप कर दी, जिससे प्राइवेट स्कूल डेवलप हुए और शिक्षा महंगी होती चली गई। शिक्षा महंगी हो गई तो गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाता है, वो अच्छी नौकरी नहीं कर पाता, तो हार थक कर वो सफाई कर्मचारी में भर्ती होता है, देश की सेवा विभाग में भर्ती होता है, वहाँ भी उसकी मजदूरी पूरी नहीं दी जाती। ठेकेदार के रूप में वह 25,000-30,000 जो तनख्वाह लेता है सरकार से, इनको 10,000-12,000-15,000 में संतुष्ट कर देता है और काम उतना ही होता है जितना सरकारी ड्यूटी में करते थे। हमें लगता है हमारे अधिकारी उच्च अधिकारी निकम्मे हो गए हैं, जो अपने स्टाफ से काम नहीं ले पाते और ठेकेदारी का बहाना करके लाए हैं कि काम करेंगे। तो जो अधिकारी काम नहीं करा सकते उनको बदल दिया जाए और ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी मिले, ताकि देश में जो भ्रष्टाचार है वो भी खत्म हो और जो लूटपाट है, लूटमारी है, चोरी बजारी है, वो भी खत्म हो। अगर मजदूर को पेट भर रोटी मिलेगी तो वो क्राइम नहीं करेगा। क्राइम जब ही होता है जब किसी का पेट काटा जाता है।